तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कम टाइम में मेरी 15K की फैमिली यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको देखना है मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। साथ ही साथ अब हमें जल्दी इसको 15K से 15M ले जाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना बड़ा सोच रहा हूँ, बट आजकल ये पूरी तरीके से चीज आज के हमारे टॉपिक से जुड़ जाती है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी अच्छी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो उसको हम एफर्मेशंस कहते हैं, परंतु जब हम किसी नेगेटिव चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और जब वो चीज हमें परेशान कर रही होती है उसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। बहुत लोगों को ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज हम इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में जड़ से उखाड़ने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट लेट्स रोल इन द इंट्रो। अभी हम ये जान लेते
जाते हैं, अगर एग्जाम्स और कैरियर को लेकर हम टेंशन में है, उस ओवरथिंकिंग को कैसे दूर करें। सो मैं थोड़ा पहले आप जान लेते हैं कि किसी भी एग्जाम की टेंशन हो या फिर कोई भी आपको कैरियर को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपके स्कूल के रेगुलर एग्जाम्स ही हो, उसमें सपोज आप आज पढ़ने बैठे हैं, कल आपका एग्जाम है और पिछले दो हफ्तों में आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अगर आप यहाँ पर ये सोचते रहेंगे काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम सिंपली वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ अब होने वाला है नहीं ना। तो उतने टाइम में आप हो सकता है दो क्वेश्चन याद कर लेते। सो अभी हमें यहाँ पर अपने कर्म पर बेसिकली अभी क्या है उस पे हमें फोकस करना है। या फिर बहुत लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में ये भी सोच ले यार कल मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, कल मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, नहीं, अभी हम अपने कर्म पर फोकस करना है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर भूर्माते संवोत्सु कर्मणि, यानी कि कर्म की इच्छा हमें मतलब फल की इच्छा नहीं रखनी है, हमें अपना कर्म करते जाना है। इसीलिए ही अब ये मत सोचो ना बाद में क्या होगा, रिजल्ट बाद के बाद की चीज में देखे जाएंगे, अभी हमको क्या करना है अपना बेसिक वो पढ़ाई उतनी कर लेनी है। ये तो कोई एग्जाम्स की बात। अगर आपको कैरियर को लेकर टेंशन है, आप सपोज कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं उसको लेकर टेंशन है, पहले तो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंड और हमेशा ये सोच लिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, यू हैव टू जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, आप अपना बेस्ट कीजिए, बाकी आपको भगवान पर छोड़ देना है। अब ये हो रहा है कि जीवन के आप एक ऐसे मोड पे खड़े हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल में अपना कैरियर डिसाइड करना है, तो अब उसको लेकर टेंशन में है, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, ओवर थिंकिंग किस तरह बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसमें मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, हमें अपना पैशन फॉलो करना, अपने पैशन को आप पहले देखिए, फिर ये देखिए उसको प्रोफेशन में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, बिकॉज पैशन के साथ साथ जब स्किल मिलाएंगे, नॉलेज मिलाएंगे, राइट पाथ मिलाएंगे, तब जाके वो आपके प्रोफेशन में प्रॉपरली कन्वर्ट हो पाएगा। तो इस पे आपको चिंतन करना है, यहाँ पे चिंता नहीं करनी है, चिंतन और चिंता में अंतर होता है। सो यहाँ पे इसका पूरा सार क्या निकलता है, दैट पास्ट इज मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री एंड टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज व्हाट इज द गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, है ना। अब आप लोगों ने यूट्यूब के कमेंट्स में बहुत बार पढ़ा होगा, बट दैट इज एक्चुअली द ट्रुथ। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन सा कॉमन वेज है जो किसी भी टाइप की ओवरथिंकिंग, अब आपको कैरियर या किसी इंसिडेंट को लेकर ही थोड़ी ओवरथिंक करनी होगी, तो अब आप जान लेते हैं कि कैसे हम किसी भी कॉमन ओवरथिंकिंग को हटा सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि आगे आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आए ही ना। तो मित्रों आप जान लेते हैं कि किसी भी टाइप की ओवरथिंकिंग को कैसे हटाएं और आगे ऐसे क्या वे फॉलो करें कभी आएगी ना। पहले तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, देखिए हमेशा ही पॉजिटिव रहें, ये मानिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। नेक्स्ट चीज है आप अच्छा लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने, या फिर आपको वो नहीं सुनना है तो जो भी टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है, जो भी आपको चेयरअप करे, चेयरअप करने वाला सुनना है। ऐसे भी आप दुखी हैं और दुखी वाला म्यूजिक लगा लिए और आप डूब गए उसमें, आपको क्या करना है कोई एनर्जेटिक सा, कोई ऐसा म्यूजिक जो आपको पसंद हो, आपको हमेशा चीयरअप करे, कोई ऐसा आपको लगाना बेस्ट है। आप हरे कृष्ण महामंत्र लगा सकते हैं, मैं तो क्योंकि वही करता हूँ ऑलवेज टू चीयर मी अप। नेक्स्ट इज आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होता है, ओवरथिंकिंग मतलब दिमाग में बहुत सारा अननेसेसरी के थॉट्स, मेडिटेशन का लक्ष्य यही तो होता है कि अपने दिमाग से सारे थॉट्स को क्लियर करके एक जगह फोकस करना। नेक्स्ट यही चीज है कि हमेशा ही आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप जब बांट देते हैं उससे कम हो जाती है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो जो भी आपकी चीज है उसको पहले तो शेयर कीजिए, अपने आप किसी फ्रेंड से बात कीजिए, और सबसे बड़ी बात थोड़ी सी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा किसी हिमालय पर जाके तपस्या करने लगे, वो नहीं है, बट थोड़ा सा आप भगवान का नाम लीजिए, थोड़ी सी आप भगवान की पूजा करना शुरू कीजिए, उससे ये होगा आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिलेगी। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा ये लगता रहता है कि कोई आपके साथ है जीवन में, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कोई नहीं खड़ा है, बट हमेशा ही आपके साथ जीवन में भगवान जरूर खड़े रहेंगे। सो ये चीज हमें अपनानी है, और भी आप एक्सरसाइज योगा आप कर सकते हैं अपने उसको अच्छा रखने के लिए, क्योंकि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। मैं खुद भी बहुत सारा मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं खुद भी योगा करता हूँ, मुझे भी इससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पानी रेगुलरली पिए, अच्छी बुक्स पढ़े, इन
फर्दर रहेंगे। तो मित्रों ये थे कुछ पॉइंट्स, आई होप इसने अगर आपकी जो ओवर थिंकिंग है इन पॉइंट्स से हट जाएगी, क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को सिंसियरली फॉलो करेंगे तो हट जाएंगे। देखिए नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत लाए, और जब भी ऐसे थॉट्स आए ना, मेरी मम्मा बोलती है कि अपने से नीचे वालों को देखो, जिनके पास आपके पास इतना सब है उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है, देन टू most of them are happy, so why don't we try to be happy? अब पूरे दुनिया को optimism के चश्मे से हमें देखना शुरू करना है, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो, चाहे वो फिर फोकस से रिलेटेड हो, पढ़ाई, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे टाइप की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, और हर वीडियो आपके काम ही आएगा। तो अपने आप को अगर आप कभी भी ऐसे ओवर थिंकिंग में पाए, सो आप मेरे वीडियोस भी जरूर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी ओवर थिंकिंग इससे हट सके। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।